हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है फ्रेश मटर की खिचड़ी या तहरी। ये है दो बड़े टमाटर, अदरक मिर्ची लहसुन की क्रश की हुई पेस्ट है और हरी मिर्च है। तो ये अपने निमोना और उसकी खिचड़ी बनाने के लिए, फ्रेश मटर की उसके अंदर डालने के लिए इसको पीस के पेस्ट बनाएंगे। और अब अपनी ये टमाटर अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट बन के रेडी है। ये फ्रेश मटर की खिचड़ी या तहरी बनाने के लिए ये फ्रेश मटर को ऑन ऑफ़ करके 3-4 बार बस हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ये अब अपना मटर क्रश होके रेडी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे फ्रेश मटर की खिचड़ी या तहरी। तो जिसके लिए फ्रेश मटर को मैंने धो के इस तरह से दरदरा क्रश कर लिया था। ये चावल को आधे घंटे पहले धो के भिगो दिया था। ये है टमाटर अदरक मिर्ची लहसुन की क्रश की हुई पेस्ट और कुछ टमाटर बड़े टुकड़े में कटे हुए, हरी धनिया लास्ट में डालेंगे। ये जाएंगे कुछ आलू के टुकड़े, तड़के में जाएगा राई मेथी जीरा 1 टीस्पून, और ये है 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हींग। मिर्ची मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ली है इसलिए कम डाल रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक जाएगा स्वादानुसार, और ये लगभग 250 ग्राम के करीब मटर के दाने हैं। और इसको बनाएंगे कुकर में, और इसके अंदर रख दिया है तेल, और तेल और घी दोनों का तड़का डालेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये मटर का निमोना भी बना रही हूँ और इसमें से ही खिचड़ी भी बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने तेल कुकर में रख दिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के घी डालेंगे। तेल और घी दोनों का तड़का बहुत बढ़िया लगता है। और ये अपना तेल और घी हो गया है गरम, डाल देंगे राई मेथी जीरा, तड़के को होने देते हैं क्रैकल, और तड़का अपना क्रैकल होते ही सबसे पहले तो अपने ये क्रश किए हुए फ्रेश मटर के दाने हैं वो डालेंगे और इसको भूनेंगे 3-4 मिनट। तो पहले तो गैस की आंच को कर देते हैं स्लो, और ये डाल देते हैं अपना क्रश किया हुआ मटर और इसको अच्छे से भूनते हैं 3-4 मिनट। ये अपने मटर की पेस्ट को भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए और इसको लगातार चलाना ज़रूरी है क्योंकि नीचे चिपकता है। अब अपने डाल देंगे आलू, और ये टमाटर अदरक मिर्ची लहसुन की क्रश की हुई पेस्ट और टमाटर, इसको भी साथ में ही डाल देते हैं। और ये डाल देते हैं मिर्ची, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, हींग और काली मिर्च पाउडर। और अब ये सब सब्जी और मसाले को भी अच्छे से भूनते हैं पहले। तो ये 3-4 मिनट के बाद अपना ये सब्जी और पेस्ट भून के रेडी है। अब अपने इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वादानुसार, और इसको भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और अब इसके बाद इसी में से मैं आधे का निमोना बनाऊंगी और आधे की खिचड़ी। तो इसके लिए मैं निमोना जितना बनाना है तो ये कढ़ाई में मैं निकाल लेती हूँ ताकि एक ही बारे में जो पेस्ट भुनी थी, भुनाई का टाइम एक ही लगे। और अब अपने ये देखिए, निमोना के लिए मैंने अलग निकाल लिया है, और ये अपनी तहरी के लिए ये गए चावल। और इसको पहले तो आंच फास्ट करके एक बार अच्छे से कर देते हैं मिक्स ताकि अपने चावल भी अच्छे से थोड़े से भून जाए। और इसके बाद हमेशा बनती हुई सब्जी में डालेंगे सब्जी या दाल। ये है अपनी तहरी, तो डालेंगे गरम पानी, ये मटर का पेस्ट भुना था वही पानी है। और अब अपने इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी आपको अगर मैसी खिचड़ी पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा डालें, और खिली खिली खिचड़ी पसंद है तो कम डालें। तो देखिए, हमारे घर में तो खिली खिली चाहिए। तो इस तरह से पानी डाल दिया है और बस लगातार 2 सीटी बजाएंगे फास्ट आंच पे, और फिर गैस को कर देंगे बंद।
अब अपनी तहरी या खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। प्रेशर कुक हो के कुकर ठंडा हो गया था और ये देखिए इस तरह से खिली खिली बनी है। और इसको मैं आपको चला के भी बताती हूँ, तो ये इस तरह से है। और अब अपनी तहरी पे डालेंगे बढ़िया सा फ्रेश धनिया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है फ्रेश मटर का निमोना और फ्रेश मटर की ही खिचड़ी। तो ये दोनों की कुकिंग प्रोसेस लास्ट तक एक रही है और लास्ट में इनको डिवाइड करके निमोना और खिचड़ी में तब्दील कर दिया है। तो आपको एक ही काम में दो चीज़ मिल जाएगी। तो ये बढ़िया सी अपने इस तरह से दो चीज़ें मिली है। मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।